अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। जी हाँ, बैंक में 12,000 से अधिक पदों पर होनी है नौकरियाँ। IBPS ने जारी की नोटिफिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS RRB एग्जाम 2019 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें ऑफिसर और ऑफिसर असिस्टेंट के 12,000 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप बैंक में नौकरी करने का चाहत रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB के लिए भर्ती की प्रक्रिया 18 जून से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 जुलाई होगी। बताते चले कि IBPS RRB 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार जिन 12,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है वो इस प्रकार है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7,373 पद, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 4,856 पद, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 1,746 पद, वहीं ऑफिसर स्केल 3 के लिए 207 पद सृजित किए गए हैं। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख और फीस भरने की तारीख 18 जून से 4 जुलाई तक निर्धारित की गई है और प्रारंभिक परीक्षा 3 अगस्त, 4 अगस्त और 11 अगस्त ऑफिसर स्केल 1 के लिए और 17 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त ऑफिस असिस्टेंट के लिए निर्धारित की गई है। वहीं मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए 29 सितंबर ऑफिस असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 22 सितंबर निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपये आवेदन फीस और ST SC PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपये आवेदन फीस है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना है। इससे संबंधित तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।